एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेक्स्ट पूडल रिट्रीवर खतरनाक ब्रीड और कौन सी हस्की हस्की लेब्रा और ये चाओ 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 बीगल बीगल हाँ हाँ जी पर फेस मास्क ठीक है ये होना चाहिए बीगल के अंदर इसको कहते हैं ट्राई कलर का बीगल अमित भाई इसके बारे में बताओ ये देखिए ये है चाओ चाओ पहले इसकी ब्रीड के बारे में बात करते हैं जो हैक्स है ना एक इसकी जीप का हैक है कि हाँ जो बंदे फेक बना के जो मिक्सिंग कर देते हैं चाओ चाओ की पहचान एपिकॉट डार्क कलर ठीक है ये रिच डार्क कलर है इसको कहते हैं एपिकॉट अच्छा और ये बहुत ही एक्टिव होती है मतलब ब्रीड ऐसी है ये घर में रुकेगी नहीं पूरे दिन भर बच्चों के साथ खेलती रहेगी इडली बड़ा यो यो गोभी खंडेलो बात ऐसी घर की जैसी आज हम आ चुके हैं एक बहुत बढ़िया चैनल पे एक बार ब्रीड दिखाओ आओ यार आओ सीधा आज पता चल जाएगा आज क्या क्या तहलका आने वाला है भाई आज धमाका होने वाला है और इस वीडियो में मिलने वाला है बहुत तगड़ा डिस्काउंट क्योंकि अपने साथ है सुनील भाई क्या हाल है सुनील भाई बढ़िया भाई बढ़िया भाई सुनील भाई अपनी दुकान का यार ये बताओ पहले अपनी दुकान है साकेत मेट्रो उसी के आगे हल्का सा 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा आपको खानपुर आएगा खानपुर रेड लाइट पे ही अपना शॉप है अच्छा और अपना नंबर बता दो किसको मेरा नंबर है 9650976118 क्या बात है तो गाइस सुनील भाई के पास ऑल इंडिया डिलीवरी मिलने वाली है कहीं भी डिलीवरी बट डिलीवरी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ये डॉग है एक जान है बिल्कुल इसको सेफली लाना पड़ता है सेफली पहुंचाने के लिए भैया एक बंदा साथ में आएगा वो आपको प्रॉपर समझा के भी जाएगा और आपके हैंडओवर करके जाएगा पूरा सर्टिफिकेशन करके आपको और इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं प्रीमियम क्वालिटी अगर आपको लो क्वालिटी भी चाहिए वो भी मिल जाएगा बट सुनील भाई एडवाइस करेंगे कि आप अच्छी क्वालिटी लो बिल्कुल अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो सुनील भाई आपको ईएमआई भी करवा ईएमआई भी हो जाएगी वो आपके बैंक के कार्ड से ही आपको बता देंगे प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है कार्ड वार्ड तो चलो गाइस शुरू करते हैं सुनील भाई पहले कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं हम पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी सबसे बेस्ट ब्रीड क्या जो? बात है जर्मन शेफर्ड क्या बात है ये हर घर में मिलेगा आपको गार्ड डॉग कहते हैं गार्ड डॉग सिक्योरिटी पर्पस भी और फैमिली पर्पस भी दोनों काम करेगा सुनील भाई ये जैसे ये ब्रीड है प्रीमियम क्वालिटी कैसे पता लगाएंगे मेरे को तो पता नहीं क्योंकि देखो ब्रीड का ऐसा होता है ब्रीड एक तो हाथ में लेते ही एक बंदे को दिख जाएगा कि हाँ भाई क्या है इसके अंदर वजन है क्वालिटी है फेस मास्क देख रहे हो कलर क्वालिटी कलर आने चाहिए आईज के ऊपर कलर होना चाहिए ये टैन कलर होना चाहिए समझ जैसे चेस्ट पे व्हाइट नहीं होना चाहिए इसकी ये देखो ठीक है और इसका कोट आपको दिख रहा है सिर्फ 40-45 दिन का बच्चा है हाँ। और कोट आप देख ही सकते हो कितना हैवी ये देखो क्या बात है पंजे देखो इसके ये देखो बोन साइज बच्चा अपने आप मुंह से बोलता है अच्छी क्वालिटी का बच्चा जो भी आप देखोगे वो अपने आप आपको बताएगा कि हाँ भाई मैं हूँ कुछ सही बात नॉर्मल क्वालिटी का बच्चा देखोगे उसका कलर यहाँ से वहाँ भाग रहा होगा प्रॉपर मार्किंग नहीं होती है मिक्सिंग एक अलग ही दिख जाती है फेस पूरा ब्राउन हो गया जैसे ठीक है या तो पूरा डार्कनेस होगा पूरा काला होगा तो वो सब चीजें नहीं पर एक जर्मन शेफर्ड के हमेशा टेल देखना टेल हमेशा लंबी होनी चाहिए हम लोग टेल को इसको ऐसे करके देखते हैं इसके पीछे के पैर की इतनी टेल होनी चाहिए बच्चे की बड़े बच्चे की और बड़ी होगी जर्मन शेफर्ड का रियल जो है पीछे टाइपिंग होना चाहिए एंगुलेशन और टेल उसके नीचे रिगड़ते हुए चलना चाहिए उसका होता है जर्मन शेफर्ड समझ गए ठीक है तो अपना सुनील भाई इसका प्राइस बताओ मेल फीमेल दोनों का मेल फीमेल का प्राइस अगर आप देखते हैं तो अगर इसमें मेल देखते हैं तो मेल अब तो काफी प्राइस नॉर्मल है 15,000 रुपए मेल है और 12,000 से 10,000 रुपए फीमेल है इस क्वालिटी का बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का अच्छा, और देखो और भी जैसे लोगों की डिमांड होती है कि भाई हमें शो लाइक चाहिए मतलब शो में उतारना है या कुछ करना है वो फिर क्वालिटी फिर अलग हो जाती है फिर उसके लिए और उसके लिए और अच्छा पे करना पड़ेगा और अच्छी बेस्ट ब्रीड मिलेगी आपको सही बात है ठीक है एक नॉर्मल बजट में आपको बेस्ट एंड बेस्ट बच्चा ये मिल सकता है ये घर में आराम से रहेगा आपके आपको कोई टेंशन नहीं और क्वालिटी आपको बहुत हाई मिल रही है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हमारे पास एक और चीज भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी भले ही बंदा अगर चलो बजट नहीं है या नहीं है ये नहीं कि मतलब बजट नहीं है तो उसको हल्का बच्चा दे दिया सही बात वो चीज नहीं है अपने अंदर यार हम देंगे आपको प्योरिटी देंगे थोड़ी सी लो क्वालिटी देंगे भी ना आपको प्योरिटी देंगे तो आपको बता देंगे कि इसी क्वालिटी थोड़ी सी कम आप इतना प्राइस खर्च कर रहे हो तो आपका ये क्वालिटी का ये बनता है सही बात ठीक है बिल्कुल सही कल को आप उसमें देखो कि भैया ये शो वाला क्यों नहीं बन रहा अब आपने यार प्राइस जिस हिसाब से खर्च किया उस हिसाब से तो बच्चा बनेगा ना सही बात तो ये होता है बाकी ब्रीड के लिए ब्रीड की लाइफ टाइम की गारंटी होगी हमारे पास कि जब तक भी आपके पास रहेगा बच्चा जब तक हमारी गारंटी है और वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑल पप्पी को लगता है हमारे अच्छा, जो भी बेबी लोगे फर्स्ट वैक्सीनेशन हम उसका डन देते हैं और डाइट वाइट आप सब बता डाइट वगैरह सारा के सारा पेट शॉप है प्रॉपर हमारी आप आइए हमारे साथ बैठिए बातचीत करिए आपको उसके बारे में डॉग के बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी फूड चार्ट मिलेगा आपको कि भाई क्या क्या देना है इसको सही बात सब कुछ प्रॉपर समझा के देंगे आप सही बात और वो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा हाँ जी क्योंकि वीडियो में डालूंगा बड़ी बन जाएगी अब चलते हैं अगली ब्रीड की तरफ चलो भाई ये उठाओ यार कौन सी ब्रीड है फूडल पूडल पूडल क्या बात है फूडल ओए होए
पकड़ो आप मेरे को लेकर। ये देखो सुंदर ब्रीड है, बहुत नटखट ब्रीड है ये देखो। बहुत नटखट, ये देखो भाई क्या बात है, इसका बताओ सुनील। ये है अपना पूडल, ठीक है, ये अपना चाइना की ब्रीड है। अच्छा अच्छा, वो ये काफी फेमस ब्रीड है, आजकल हर कोई लाइक कर रहा है इसको। और जो ये कलर है, कलर सबसे ज्यादा डिफरेंट है इसका। अच्छा, कलर इसको कहते हैं डार्क एप्रिकॉट डार्क कलर, ठीक है, ये रिच डार्क कलर है, इसको कहते हैं एप्रिकॉट। अच्छा, और ये बहुत ही एक्टिव होती है, मतलब ब्रीड ऐसी है ये घर में रुकेगी नहीं, पूरे दिन भर बच्चों के साथ खेलती रहेगी, एक्टिविटी बहुत होती है इस ब्रीड में। और टॉय ब्रीड में आती है ये, टॉय साइज है, छोटी रहेगी। हाँ ओके, तो अगर जिसका फ्लैट है ना छोटा, तो उसके लिए तो बेस्ट है ये, दिल्ली में और बड़े शहरों में। दिल्ली में तो आजकल वैसे फ्लैट ही है सबके पास, सबके पास फ्लैट है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर किसी के पास है नहीं, या कोई कैनल बना ले, बिल्कुल, तो ये बेस्ट है। तो अमित भाई इसका क्या रहेगा, मेल फीमेल का? ये मेल अगर आप देखते हो अच्छा बच्चा मेल में, ये अगर डार्क कलर एप्रिकॉट देखते हो तो ये पड़ेगा आपको 40,000 रुपए का ऑलमोस्ट, ठीक है, और फीमेल देखते हो, फीमेल आपको 35,000 से 30,000 रुपए तक की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और सुनील भाई इसमें और कोई कलर अवेलेबल है? इसमें ऑल कलर है, जैसे इसमें जो जो नॉर्मल कलर आते हैं वो कलर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें ब्लैक भी आता है, ठीक अच्छा, है, ब्राउन भी आते हैं, इससे लाइट ऑफ व्हाइट भी आते हैं, अच्छा, वो सब पूरा व्हाइट भी आता है, वो कलर हम आपको अवेलेबल करा देंगे ऑन डिमांड। और गाइस रेयर कलर भी मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आप बोल दो एक दिन में मेरे को रेयर कलर दे दो, नहीं वो तो नहीं, टाइम लगता है, लेकिन सबसे जो आजकल डिमांडेड कलर है वो ये है, यही सब कलर है, सबसे ज्यादा कलर डार्क यही है जो डिमांड में रहता है ना, कलर की भी रिच कलर चाहिए, डार्क कलर, एप्रिकोट, तो एप्रिकोट कलर यही है। सही बात। चलो गाइस अब दिखाते हैं आपको अगली ब्रीड। अब आपको दिखाते हैं चाओ चाओ। चाओ चाओ सुंदर प्यारा, और चाओ चाओ की एक बहुत स्पेशल बात है वो हम बताएंगे। ये देखो व्हाइट कलर है, बहुत प्यारा है भाई, बहुत चाइनीज है ये भी, चाइना की ब्रीड है। क्या बात है, देख रहे हो फर, देख रहे हो इसका चाओ चाओ भाई, बहुत वाई वाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अमित भाई इसके बारे में बताओ। ये देखिए ये है चाओ चाओ, पहले इसकी ब्रीड के बारे में बात करते हैं, जो हैक्स है ना, एक इसकी जीप का हैक है कि हाँ, जो बंदे फेक बना के जो मिक्सिंग कर देते हैं। चाओ चाओ की पहचान, चाओ चाओ की पहचान आपको सबसे प्रॉपर मिलेगी इसकी जीप देख के, ये देखो नीली जीप है, नीली इसकी जीप, जब भी आप चाओ चाओ लेने जाते हो या कहीं से परचेस करते हो तो उसकी जीप जरूर देखना, सही बात, ओरिजिनल ब्रीड का आपको वही इसकी जीप ही बता पाएगी कि ये क्या है, ये चाओ चाओ ही है या कुछ और है। क्योंकि आजकल लोगों के देखो ब्रीड करा देते हैं, तो किसी को वही हो जाता है, कई बार क्या होता है लोगों के घर में दो दो डॉग हैं, एक लैब्राडोर एक चाओ चाओ, उसको ब्रीड करते हैं, वो सब चीजें हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल प्योर ब्रीड का निशानी है वो ये है नीली जीप, बिल्कुल, क्या बात है। तो इसके इसका प्राइस बता दो भाई। इसका प्राइस आपको जो भी आप प्राइस देखेंगे, इसका प्राइस भी अपना 30,000 से समथिंग समथिंग, मेल का, हाँ, फीमेल थोड़ा, फीमेल 25 समथिंग, बस चार पांच, मेल फीमेल में चार पांच हजार, चार पांच हजार का फर्क हमेशा रहता है। ओके, और कोई कलर इसमें अवेलेबल? इसमें कलर अपने पास ब्लैक भी है, ठीक है, डार्क गोल्डन भी है, अच्छा, ऑफ व्हाइट जैसे ये है, ऑफ व्हाइट भी है, इसमें एक क्रीमी आता है, क्रीमी भी है, एक पांडा वाला कलर भी आता है जिसपे आइस ब्लॉक ब्लॉक होती है इसकी, ब्लैक ब्लैक, और बाकी बस पूरा व्हाइट होता है वो, तो ये होता है। लेकिन वो एक वो आपको ऑन डिमांड मिलेगा, ठीक है, सही बात गाइस, सही बात। तो इसका भी हो गया, अब दिखाते हैं आपको अगली ब्रीड, कौन सी उठाने वाले हैं भाई? अगली ब्रीड अपनी साइबेरियन हस्की, साइबेरियन हस्की, ये रहा वो रहा देखो, ब्राउन कलर का देखो, एक ब्राउन एक ब्लैक है, एक ब्राउन है ब्लैक उठाते हैं, ब्राउन अब उसने थोड़ा सा अपने आप को गंदा कर लिया है, बट हम आपको ब्राउन दिखाते हैं भाई, सिस्टम कर दिया भाई इसने, ब्लू आइज, ये देखो, ये देखो, ये देखो डार्क ब्लू आइज, और इनकी ये नहीं कि अभी ब्लू है बाद में चेंज हो जाएगी आंखें, नहीं, इनकी लाइफ टाइम के लिए ही आइज ब्लू रहेगी, क्योंकि चेंज होती है हस्की, हाँ, सोना हस्की भी, हस्की भी, और जैसे कई बार बंदे देखते हैं पिटबुल वगैरह देते हैं कि भैया उसमें ब्लू आइज है, वो ब्लू आइज नहीं होता है, वो बॉडी पे ही जाता है कलर उनका। अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं ना ब्लू ब्लू आइज एंड ब्लू कलर पिटबुल में, वो ब्लू नहीं होता, वो ग्रे हो, एलिफेंट कलर होता है, वो ग्रे होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, हाँ, वो आईज का कलर चेंज हो जाता है, सही बात। ये है हस्की अपना ब्लैक एंड व्हाइट, प्रॉपर ब्लू आईज, प्योर ब्रीड 100% प्योरिटी की, पूरी लाइफ टाइम की गारंटी हमारी, सही बात गाइस, सही बात। तो इसका बताओ सुनील भाई, इसका प्राइस भी अभी नॉर्मली है, ज्यादा नहीं है, 22,000 से 25,000 रूपए मेल का, हाँ जी मेल का, फीमेल, फीमेल अपना 18,000 से 20,000 रूपए, 18,000 से 20,000। और जो दूसरा कलर है अपना ब्राउन, उसका भी सेम, कलर सेम ही है दोनों में, 19-20 का फर्क है, प्राइस भी सेम, बाकी हाँ प्राइस, प्राइस में हो जाएगा, कलर की होता है कि कलर की थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट की ज्यादा डिमांड होती है, तो इसका प्राइस हमेशा थोड़ा सा तेजी रहता है, उसका थोड़ा कम है, हाँ उसका थोड़ा सा कम रहेगा, इससे 2-3,000 और अपनी ऑडियंस के लिए तो डिस्काउंट रहेगा, आपके जो उससे आएगा उसके लिए ऑलरेडी है,
कोई दिक्कत नहीं। तो कूपन वूपन क्या बना है? SRV बना दे कूपन। SRV आपका तो फेमस है ही। SRV 01 कूपन बना दिया भाई, डिस्काउंट देंगे। कॉल करने से पहले बोल देना SRV 01। SRV कॉल करोगे वो आपको उसी टाइम पे जो प्राइस आप पूछोगे उसी में आपको कर दिया जाएगा। सही बात। और पूरा गाइड करेंगे, ऐसा नहीं है बेच के भूल गए। नहीं, अपने पास एनी टाइम, जब भी कॉल करोगे एनी टाइम फोन उठाएंगे हम। ऐसा नहीं कि भैया बच्चा बेका उसके बाद कॉल नहीं करता, नहीं। और अपनी जो दुकान की टाइम है क्या रहने वाली है, मतलब कब कब कॉल उठा लोगे? दुकान की टाइमिंग देखिए, सुबह 10 से ओपन होती है और रात को 10 तक क्लोज होती है। 10 से 10, 12 घंटे का। 10 से 10, 12 उसके बाद भाई देखो, सुबह 10 बजे से पहले कॉल मत करना। आप व्हाट्सएप छोड़ देना, अगर आपको बहुत अर्जेंट हो व्हाट्सएप छोड़ देना, 10 बजे उठ के आपको रिप्लाई कर देंगे। और रात के 10 के बाद भी भाई मत करना। नहीं, व्हाट्सएप कर सकते, लेकिन बस कॉल नहीं करना, कॉल मत करना बस। क्योंकि भाई सबका परिवार है, सबकी फैमिली है, परेशान हो जाते हैं लोग। चलो आप दिखाते हैं आपको अगली ब्रीड। अगली ब्रीड दिखाते हैं आपको, रिट्रीवर। रिट्रीवर ये देखो, दोनों सो रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। रिट्रीवर थोड़ा सुस्त हो जाता है भाई, इसलिए इसको हम आराम करने दे रहे थे। गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर प्योर ब्रीड, डार्क कलर, डार्क बच्चा, बिग साइज का बच्चा, बिग साइज। इसका फेस देखो गाइस, इसकी प्योर ब्रीड की निशानी इसका पंच फेस। भाई बताएंगे अब आगे की डिटेल, बताओ भाई। देखिए रिट्रीवर, बहुत से लोग देखते हैं रिट्रीवर, रिट्रीवर का फेस काफी लंबा लंबा खिंच जाता है। नहीं, रिट्रीवर और लैब्राडोर रिट्रीवर का ही ब्रीड है, ठीक है। लैब्राडोर रिट्रीवर ही कहते हैं इसे, लेकिन इसका जो क्या है, इसमें फर होता है, लैब्राडोर में फर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसका फेस ब्रॉड होता है, जैसे अभी ब्रॉड फेस देख रहे हैं ना आप, ये चीज हैवी होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पतला फेस है, वैसा नहीं, जर्मन शेफर्ड जैसा नहीं। रिट्रीवर रिट्रीवर होना चाहिए, बोन साइज होना चाहिए उसके आगे। सही बात। और आगे के साथ साथ पीछे के बोन भी होने चाहिए। ये पीछे के बोन क्या होता है, आगे के बच्चे का बोन हैवी होता है, पीछे का बोन बहुत पतला होता है, वो चीज नहीं। पैरों में पीछे वीकनेस होती है उनमें। सही बात। ये देखिए यहाँ आपको बच्चे का बॉडी, बच्चे को यहाँ पर बॉडी वेट भी, बच्चे का अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको कोई भी बच्चा अगर आप हाथ में उठाते 3 से 4 किलो का बीबी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे को अगर खिलाएंगे अच्छा, जब भी तो बच्चा अच्छा दिखेगा। सही बात। अब आप उसे कुछ खिला नहीं रहे, खाली आप दिखाई दिखा रहे, वो वाला काम अपना तो नहीं है। सही बात। बच्चा दिखने चाहिए, आपको क्वालिटी दिखेगी इसमें। तो भाई इसलिए दिल्ली में बच्चा नहीं रखते, क्योंकि दिल्ली में गर्मी, ट्रैफिक, दुकान भी इतने बच्चे रखना ना अवेलेबल, इसलिए कैनल पे रखा जाता है ताकि इनको डाइट मिले, एक ग्रीन एनवायरनमेंट, अच्छा खाना पीना मिले। अब अभी भी ये ओपन में ही है, आप देख ही रहे हैं, जैसे कि पूरे में ओपन में रहेंगे बच्चे। अब यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद अपना आराम से आराम करेंगे रूम के अंदर। तो इसका क्या रहने वाला है? इसका प्राइस जो रहेगा आपका 20 रहेगा, 20 मेल का, 20 मेल का, 15 फीमेल का, और बाकी जब लेता है कोई तो उसमें काउंटेबल हो जाएगा। थोड़ा नेगोशिएशन डिस्काउंट अपना चलता रहेगा। और कोई कलर इसमें? इसमें इसमें ऑफ वाइट मिल जाएगा आपको, जैसे डार्क गोल्डन कलर एक तो ये है ही है, एक ऑफ वाइट, और एक एक होता है जो थोड़ा डार्क कम होता है, डार्क कलर, जैसे लाइट गोल्डन जिसे कहते हैं, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या बात है गाइस, अब दिखाते हैं आपको अगली ब्रीड। अगली ब्रीड अपन दिखाते हैं बीगल। बीगल हाइपर एक्टिव शैतानी लड़का, बहुत शैतानी करते हैं भाई बीगल। ये देखो भाई एक्टिव है वो, बहुत ज्यादा। ये पकड़ो, देखो मैं एक को दिखाता हूँ, ये देखो उस पे भी एक और प्रॉपर मार्किंग है। फेस देखो, कान देखो इसके एक बार, ये देखो। और गाइस जो बीगल ब्रीड होती है ना, ये टॉय ब्रीड होती है, छोटे रहते हैं लेकिन हाइपर एक्टिव बहुत होते हैं, उछल कूद बहुत करते हैं। तो कोई भी लेगा ना जो कम जगह में रह रहा है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ये बीगल लेना भाई। ये देखो, ये दोनों भाई है, दोनों भाई, ये दोनों भाई है, देखो क्या, ठीक है? है बीगल की पहचान क्या है, प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। अच्छा। अगर आप सुंदर बेबी देखते हैं तो इसमें आउट मार्किंग भी आती है, ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वो भी होते हैं, लेकिन एक आउट मार्किंग भी आती है, एक आउट मार्किंग से पर्सनालिटी थोड़ी सी डाउन होती है बीगल की। हाँ, इसके ये देखो प्रॉपर मार्किंग है, इसके भी है मार्किंग, इसके पतला टीका है, इसे इन्हें टीका कहते हैं, इसके प्रॉपर कॉलर है, ठीक है, इसे कॉलर कहते हैं, ये कॉलर होगी प्रॉपर, ये प्रॉपर इनके सॉक्स हो गए, ठीक है, ये प्रॉपर फेस मास्क, ठीक है, ये होना चाहिए बीगल के अंदर। इसको कहते हैं ट्राई कलर का बीगल। ओके, देखो कान बड़े बड़े होंगे हमेशा ही, टेल पे स्पोर्ट होना ही जरूरी है, ये देखो इस पे, ठीक है, इसका भी है, दोनों पे बिल्कुल डिप्ट होंगे वो, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा अमित भाई, सुनील भाई, सॉरी अमित निकल रहा है मेरे मुंह से, सुनील भाई क्या रहेगा? इनका प्राइस जो है वो 15,000 से स्टार्टिंग है, 15 मेल, ठीक है। हाँ जी, फीमेल का अपना वही 10 से 12 हजार रुपए के बीच बीच में, मतलब 5,000 रुपए मोटा मोटा। गाइस कभी कभार ना, एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, कभी हमने वीडियो डाली और आप देख रहे हो 2 महीने बाद, फिर आप इनको बोलोगे भाई ये अच्छा प्राइस, तो प्राइस ऊपर नीचे मार्केट की तेजी के हिसाब से होता रहता है, कभी रेट बढ़ गए, कभी क्या हो गया, कभी क्या बढ़ गया। और एक और चीज होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे कि बच्चा अब ये देख लिया, ठीक है, ये इस प्राइस का है, अब इससे हमने उसको और अच्छी क्वालिटी का बच्चा दिखाया, सुपर क्वालिटी का, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो गया, इससे बड़ा बच्चा और हैवी बच्चा,
वो बंदा क्या करता है यार, भैया हमें तो उसी प्राइस में चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है यार। देखो सही बात, जो चीज अभी पॉसिबल है वो हम आपको बता सकते हैं कि भैया ये इस प्राइस का है, और उसी टाइम पे जब भी आप कॉल करोगे उसी टाइम पे आपको समझाया जाएगा कि भैया प्राइस इसका क्या होने वाला है। हो सकता है इससे कम भी मिल जाए आपको, ऐसा कुछ नहीं कि भैया यही प्राइस का है, इससे कम भी मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो भाई वो अपना पेपर वर्क पूरा रहेगा इनका? पेपर वर्क, ब्रीड सर्टिफिकेट आपको हैंड टू हैंड मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ब्रीड की प्योरिटी के जैसे भी हो, अगर आप मेरे को शॉप पे आते हैं तो आपको ब्रीड सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड मिलेगा। वन वैक्सीन का जो प्रूफ होगा वो भी आपको साथ साथ मिलेगा कि हाँ भैया की वैक्सीन हो रखी है इसकी। ठीक है भैया, तो गाइस पेपर मिलेंगे, ब्रीड का सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप दुकान पे आके लेते हैं। अगर आप बाहर ऑल इंडिया डिलीवरी करवा रहे हैं या दूसरी स्टेट में तो आपको भिजवा देंगे ये ईमेल पे या कैसे। अगली ब्रीड बताते हैं भाई, खत्म सारी नहीं अपने पास है, एक रह गई है कॉकर स्पैनियल जी, उठाओ भाई से। आ जाओ। ये लेबरा जैसा लगता है बहुत लोगों को, बट ये लेबरा नहीं है भाई, ये बहुत अगली ब्रीड है। ये कॉकर स्पैनल है, लेबरा नहीं है ये। और ये एक और चीज, ये आपकी ब्रीड नहीं है। अच्छा, ये बहुत पुरानी ब्रीड है। अच्छा, कॉकर स्पैनल अमेरिकन कॉकर। हाँ, अमेरिकन कॉकर स्पैनल। इसमें इंग्लिश कॉकर भी आता है, अमेरिकन कॉकर भी आता है इसमें। ये आपकी ब्रीड नहीं है, बहुत पुरानी ब्रीड है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी तो क्वालिटी की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर ब्रीड है। इसकी क्वालिटी को आपको पहचान कैसे कर सकते हैं? एक तो कान, इनके कान देखो कितने बड़े, कोकर के हमेशा कान बड़े बड़े दिखेंगे आपको। देख रहे हो, जितना बड़ा इसका फेस नहीं होगा उससे बड़े इसके कान होंगे। ओके, ये देखिए, अभी देखिए नीचे कितने एक्स्ट्रा इसके कान। ठीक है, कोकर ये पहले इनके कोकर का क्या होता था, टेल कटी हुई आती थी। अच्छा, लोग ढक कर देते थे पहले, लेकिन अब अलाउ नहीं है वो सब चीजें, तो अब नॉर्मल है ये। ये देखिए, अब ये हमारे पास ये डॉग जो है गोल्डन कलर में है। ठीक है, अभी ये शेडिंग है जैसे हल्का हल्का, अभी ये अंदर से जितना भी फर लेके आएगा वो डार्क कलर लेके आएगा। अच्छा, हाँ जी, समझ गया समझ। क्योंकि हर बच्चा शेडिंग करता है, बहुत से लोग होते हैं कि भैया हमारे कुत्ते के बाल उड़ गए हैं या ये हो गया कलर चेंज हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ा होते होते ही वो अपना आप चेंज करेगा। अब जैसे इसका फेस है, ये फेस पे ब्राउन आता जा रहा है ना, जैसे नाक पे है, यही पूरे बॉडी पे कलर इसका आ जाएगा आने वाले टाइम पे। एयर पे जैसे कान है इसका, ऐसे ही पूरा डार्क होता जाएगा ये बच्चा। तो इसका क्या रहने वाला है? ये बच्चा आपको अगर मेल आप देखते हैं तो आपको ये 15,000 से 18,000 रुपए। ओके, और फीमेल अपने 12,000 से 14,000 रुपए। ओके, ठीक है, तो भाई सारे हो गए? हाँ, अब अपने पास हो गए सारे। क्या बात है, तो गाइस सारी ब्रीड दिखा दी जितनी अवेलेबल थी, इसके अलावा और भी ब्रीड मिल जाएंगी, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मैंने चला दिया और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दी इनकी शॉप की। और शॉप पे भाई खाना पीना सब मिलेगा, सारे कैटेगरी के सारे फूड है हमारे पास। अच्छा, सारी एसेसरीज है। अच्छा, जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर डॉग लेने आते हैं तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करके और जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं डॉग की, वो सारी चीजें मैं आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करा दूंगा। तो सुनील भाई क्या करना है इस वीडियो को, फिर इतनी इस ब्रीड को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है। इतनी प्यारी प्यारी ब्रीड दिखाई है, प्योर ब्रीड दिखाई है आपको, ऑथेंटिक, और ब्रीड की नॉलेज भी दी। अगर आप भाई से भी नहीं लोगे, कहीं से भी लो, तो भाई लुटना मत। हम आप, हमारा मकसद है आपको नॉलेज मिले, आपको पता रहे, चीज अच्छी लो। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चीज अच्छी लो। सही बात, ठीक है, कहीं से भी लो आप, प्रॉपर क्वालिटी लो। डॉग एक जान है, 12-13 साल आपको पालना है, ऐसा नहीं है एक दो साल में आपने हटा दिया या कहीं फेंक दिया, भाई ये कुछ आइटम नहीं है, ये एक जान है। बिल्कुल, तो आप लो तो अच्छी फैमिली मेंबर बन जाता है अपने साथ। हाँ, जाके जब एक डॉग जाता है घर पे तो फैमिली मेंबर की तरह रहता है। सही बात, इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से रखें। सही बात, साफ तरीके से रखें। हाँ, और कहीं से भी लें लेकिन अच्छी ब्रीड लें। सही बात, पैसों को ना देख के क्वालिटी देख के लें। सुनील भाई एक और अभी बीच में चीज आई थी कि जैसे डॉग लिया किसी ने और वो बीमार हो गया, तो कस्टमर कहता है भाई तुमने मेरे को बीमार दिया, तो उससे बचने के लिए कुछ एक और चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं, अब हमने आपको पप्पी दिखाए, एक्टिव एंड हेल्थी है, ठीक है, कुछ कस्टमर की भी गलती होती है कुछ। मैं ये नहीं कहता कि हमारी गलती है या उनकी ही गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गलतियां क्या होती है, जैसे हमने उनको समझा के भेजा कि भैया आपको इसको सेरेलेक देना है, ठीक है, और फूड अभी नहीं देना है। सही बात, ठीक है, कस्टमर क्या करता है, थोड़े से लालच के चक्कर में बताता हूँ, थोड़े चक्कर में क्या करा, सेरेलेक नहीं लिया। अच्छा, रात को लेके गए, लेट हो गए या जो भी है, देखो लालच भी समझ लो, चाहे लेट वगैरह, लेट हो गए भैया टाइमिंग की वजह से, उन्होंने क्या किया, घर का उनको मिल्क दे दिया, दूध वो सूट ही नहीं कर, ठीक है। अब वो क्या होता, हम लोग इनको बच्चों को जब भी कभी इसने पिया ही नहीं उस चीज को, तो वो कैसे एडजस्ट करेगा डाइजेशन, तबीयत खराब, तो उससे क्या होता, डाइजेशन बिगड़ा, एक दिन नहीं बिगड़ा, ठीक है, उसने नॉर्मल पोटी करी, हमने उनको कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं, दे दिया आप इसको फूड दो। अब वो क्या करता, वो डाइजेशन ना करके वो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, उसमें कस्टमर क्या कहता, भैया आपसे जब से ले गया जब से ऐसा है वो, हम बोलते हैं भैया सरलेक दिया था, कस्टमर कहता हम ये सरलेक ही दिया था, तो ये नहीं बताते, डाइट है ना वो प्रॉपर दीजिए आप। आप ध्यान रखना, जब बच्चा बड़े हो गए आप कुछ भी खिला लो सूट हो जाएगा, बट बच्चे 5-6 महीने तक आपको अच्छी डाइट देनी है। 5-6 महीने भी नहीं कहता मैं, कहता हूँ 3 महीने
खाली 3 महीने डॉग को अच्छी डाइट दीजिए, डॉग आपका निखर के आएगा, आपको प्रॉपर दिख जाएगा उसमें क्या है क्या नहीं। सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ के, जितने भी डॉग है कोई डिजीज नहीं कुछ नहीं, आप डॉक्टर से भी चेक करा सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और EMI ऑप्शन अवेलेबल है, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। और भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, स्क्रीन पे है, लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल, चले भाई सुनील, चलो जी मिलते हैं फिर। ओके जी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट करना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और गाइस सौरभ भाई के चैनल पे चल रहा बहुत ही ज्यादा खतरनाक गिवअवे, 5 बंदे को अल्ट्रा करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूस बजेंगे टूथ पे, लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।